हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हूँ रोहिताश कुमार। जैसा कि कल अपनों ने किया था, नाभिक के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी और फिजिक्स का लेक्चर लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। तो उसमें आगे अपने नाभिक के बारे में इतनी चीज़ें देख ली थी, थोड़ा रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। और वैसे कल वाले वीडियो में मैंने वह डाल दी थी। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आगे अपने देखें तो उसमें अगर आप आगे देखें दोस्तों, तो उसमें अपन ने बात करनी है ये। देखिए दोस्तों, अपन ने कल इसके बारे में पढ़ लिया था, परमाणु क्रमांक जेड जो पी के इक्वल माना गया था, और इसमें प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या थी वो उनके मध्य परमाणु क्रमांक के मध्य समान जो न्यूट्रॉन्स के बराबर बताया गया था, और उसका मात्रक है वो ए एम यू में उसका मान है वो 1.6 × 10⁻²⁷ के जीज निकाला गया था। और आगे अगर दोस्तों अपनी बात करें, तो इसमें जो प्रोटॉन्स का जो द्रव्यमान होता है, आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन्स 1.00784 के जी, और न्यूट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो दोस्तों 1.00874 के जी, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 0.00554 kg। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका द्रव्यमान हो गया नॉर्मल। अपने दोस्तों बेसिक लेवल से जो नाभिक है इसके बारे में ही पता इसीलिए करें कि थोड़ा बहुत आपका बेस है वो रेडी हो सके। नेक्स्ट इसमें अपने बीएससी लेवल का वो हार्ड जो अपना सिलेबस है वो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपने न्यूमेरिकल करें तो जो एक ए एम यू द्रव्यमान है उसकी ऊर्जा है वो दोस्तों निकालें, तो एक ए एम यू में इसका मास तो इतना होता है ऊर्जा, और निकालें आइंस्टीन के अनुसार तो आइंस्टीन की जो समीकरण थी ये बराबर एम सी स्क्वायर, उसके अगर एम का मान ये भर दें और सी का मान प्रकाश का वेग हो इसका वर्क कर दें, दोस्तों यहाँ से अपनी ऊर्जा है जो प्राप्त हो जाती है इतनी। इसको थोड़ा सोल्व करके देखें तो ये अपने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है वो जो दोस्तों ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये दोस्तों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दोस्तों है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, इसको इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत काम आते हैं आगे, तो आप इसको याद रखना। तो एक ए एम यू में जो ऊर्जा होती है ना दोस्तों वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है दोस्तों। हाँ, तो आगे इसमें बात करें अपने तो समस्थानिक कल उन्होंने बाधक पढ़ लिया था। आगे अगर बात करें तो समस्थानिक क्या होते हैं कि जो एक ही तत्व कैसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान व द्रव्यमान संख्या क्या दोस्तों भिन्न भिन्न होती है। जैसे अपने ने ये कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं 1H1 1H2, इनके जो नीचे वाले जो होते हैं ये परमाणु क्रमांक होते हैं और द्रव्यमान संख्या है वो ऊपर वाली द्रव्यमान इनकी संख्या होती है, तो ये भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक इनकी क्या है समान है, तो ये एक ऐसे तत्व हैं जो समस्थानिक होते हैं। अब नोट करके अपने बात करें तो यदि किसी तत्व के तीन समस्थानिक यदि अपने कुछ देखें तो संबंध इनके मध्य, तो जैसे किसी तत्व के तीन समस्थानिक अगर अपने लेते हैं, ये तीन समस्थानिक मान लेते हैं अपने ले लिए, इसका जो परमाणु भार होता है वो U1 U2 U3 दे दिया अपने को, इसकी अपेक्षिक बहुलता निकालनी है, तो अपेक्षिक बहुलता दोस्तों है वो P1 P2 P3 दे दी, तो उसके लिए औसत परमाणु भार दोस्तों निकालने के लिए उन्होंने P1 V1 P2 V2 P3 V3 / 100, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, इसको याद रखना जो अपने क्या यूज़ करेंगे किसमें, इसकी जो औसत परमाणु भार है वो निकालने के लिए इसमें यूज़ करते हैं दोस्तों, बहुत बार काम आता है ये अच्छा सूत्र है। अब अपने सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन है, सम नाम से पता चल रही न्यूट्रॉन्स की संख्या समान रहेगी, तो जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है और
परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या वो समान होती है। और अगर अपने संभारिक की बात करें तो जिसमें संभारिक भार से मतलब आपको पता ही है, जिसमें द्रव्यमान भार वही समान होगा, बाकी जो परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर जैसे ये देखो ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला परमाणु क्या होता है, क्रमांक होता है, ऊपर वाला ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, तो ये समान होती है। और नाभिक का अगर आकार की अगर बात करें दोस्तों, तो नाभिक के आकार की बात करें तो उसके अंदर अपने त्रिज्या लेंगे और उसका द्रव्यमान लेंगे और उसकी जो घात है 1/3 के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नाभिक के बारे में बेस्ट नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपको ये पता होना चाहिए नाभिक का आकार अपने कैसे निकालते हैं। तो नाभिक के आकार के बारे में आपको दोस्तों अच्छे से बता देता हूँ भी, नाभिक की जो त्रिज्या आर होती है और द्रव्यमान संख्या जो ए होती है उसकी 1/3 के घात के समानुपाती होती है। जैसे ये आर हो गया, इसकी ए की 1/3 की घात के ये समानुपाती होते हैं। यहाँ पर अगर आर इस समानुपाती को हटाएंगे तो R0 आ जाएगा, तो R0 यहाँ पर नियतांक है दोस्तों, इसका मान होता है 1.2 × 10⁻¹⁵ या 1.2 फर्मी, फर्मी के अंदर 10⁻¹⁵ होते हैं, इसको अपने मीटर में चेंज कर लेंगे। तो दो तत्वों के लिए ये तो एक तत्व के लिए ही होगा, अगर दो तत्व दिए हैं तो R1/R2 A1/A2 की 1/3, ये सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो दोस्तों वैसे अपने नाभिक के जो आकार का जो सूत्र उन्होंने व्युत्पन्न ये किया हुआ है, इस सूत्र पे दोस्तों अपने बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है वो आगे अपने बहुत से करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं, जो जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो जो वो सारे के सारे अपने लास्ट में करेंगे। तो न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन तो पता ही है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या ही होती है वो न्यूक्लियंस होती है, दोनों को जोड़ देते हैं न्यूक्लियन प्राप्त हो जाते हैं। तो अब पहले अपनों ने आकार की बात की, अब इसकी आयतन की बात करते हैं। आयतन की बात करने के लिए भी अपने त्रिज्या की जरूरत होगी, तो आयतन नाभिक का आकार गोलाकार है इसलिए अपने गोले का आयतन 4/3 πr³ लेते हैं। इसमें अपने ने सूत्र स्थापित किया था, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से नाभिक के आकार का सूत्र लेंगे और इसमें जो वी का मान है, यहाँ से जो आर का मान आया वो इस आर की जगह वो दोस्तों इस आर को रख देंगे, तो यहाँ से अपने को वी है वो समानुपाती ए आ जाएगा यहाँ से। तो इसका इससे हमें यही पता चलता है भी जो नाभिक का जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, समान होता है। मान जो नाभिक का आयतन है वो द्रव्यमान संख्या ही अपने मान सकते हैं भी, वो ही नाभिक का आयतन ही है। अगर आयतन दिया है तो समझ लेंगे वो भी द्रव्यमान ही है इसका। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या है। अगर नेक्स्ट इसमें अगर बात करें अपने आगे तो दोस्तों इसमें हाँ दोस्तों इसमें आगे देखते हैं, नाभिक का घनत्व है तो उसको ज्ञात करने पहले अपने आकार की बात की, आकार के बाद उसके आयतन की बात की, आयतन के बाद अब इसकी घनत्व की बात करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत बढ़िया अपने नाभिक के बारे में ऐसा जानने के लिए मिल रहा है। तो माना नाभिक का जो घनत्व अपने रो मान लेते हैं और न्यूक्लियंस है उनका आयतन है वो समान ही होता है प्रोटोन न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान है इसको एम ए मानते हैं और इसका घनत्व होता है पता ही सूत्र, द्रव्यमान बटे आयतन। तो दोस्तों यहाँ से घनत्व रो और द्रव्यमान एम, आयतन वी, एम की जगह दोस्तों ये मान रख देंगे और वी आयतन है वो ये रख देंगे। तो R=R0 A^(i/3) ये सूत्र अपनों ने प्राप्त किया था, इस सूत्र का दोस्तों वो इस आर की जगह पुट कर देंगे, यहाँ से जो ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब का मान है वो पुट करके यहाँ से फिक्स घनत्व है दोस्तों प्राप्त हो जाएगा अपनों ने, यही है वो नाभिक का फिक्स घनत्व होता है दोस्तों। इससे हमें यही पता चलता है कि नाभिक का जो फिक्स घनत्व प्राप्त होगा इसका मतलब वो नाभिक का आकार से कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा द्रव्यमान हो, उस पर तो ये निर्भर करेगा ही नहीं। अतः तत्वों के जो
नाभिक का घनत्व तो समान रहता है तो द्रव्यमान संख्या पर परमाणु क्रमांक पर निर्भर नहीं करता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें, इसमें जो जो टॉपिक अपन ने पीछे कर लिए नाभिक पे दोस्तों इतने टॉपिक थे बहुत अच्छे थे। अब देखिए इसमें पहले जो सूत्र उत्पन्न किया था उस पर अपने न्यूमेरिकल करते हैं। दो परमाणुओं के नाभिकों की संख्या त्रिज्या को अनुपात दे देगा या तो उनकी द्रव्यमान संख्या पूछ लेगा, या नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए इसमें संख्या का अनुपात दे दिया द्रव्यमान की, परमाणु क्रमांक की संख्या का अनुपात दे दिया और उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया। ठीक है, द्रव्यमान संख्या का अनुपात दे दिया और त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया। तो पहले वाला देखते हैं इसमें, इसमें सूत्र वो लिख लिया। सूत्र में अपने ये देखो त्रिज्या का अनुपात दिया यानी आर वन आर टू का मान दे दिया 1:2, तो 1/2 लिख के यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, इसकी क्यूब निकालते हैं 1/8 होगी, 1/8 हो गया। अब दो पदार्थों की संख्या का अनुपात अगर 27:64 दिया हुआ है, अब इसमें द्रव्यमान संख्या का अनुपात दे दिया, इसकी त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो आर वन आर टू का मान निकालना है, यहाँ से 27/64 हो गया, इसकी पावर 1/3 है। तो इससे क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भी 27 है, इसको अपने 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है ना, तो 3 का क्यूब कर दिया और बटे में ये 64 है, किसका होता है 4 का क्यूब होता है, और इस पूरे की क्या लगी हुई है दोस्तों क्यूब, तो इन दोनों 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3/4। तो यहाँ से आर वन आर टू का अनुपात है वो 3:4 आ गया दोस्तों। ये दोनों न्यूमेरिकल इस पे बन रहे थे और ये दोनों न्यूमेरिकल उन्होंने यहाँ से सॉल्व कर लिए। अब आगे अगर देखें दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो ये आगे वाला न्यूमेरिकल देखिए दोस्तों, ये इस हाँ ये न्यूमेरिकल है, पदार्थ के परमाणु में वृद्धि करने पर नाभिक के प्रति न्यूक्लियन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आयतन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो आयतन पे कोई है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आयतन समान ही रहेगा। अब अपनों ने जो सूत्र व्युत्पन्न किया था जिसमें अपनों ने बताया था जो पीछे अपनों ने निकाला था ना सूत्र, देखिए ये सूत्र, ये सूत्र अपनों ने निकाला था ना पीछे, बहुलता जो अपेक्षित बहुलता ज्ञात करने का, m बराबर यानी औसत परमाणु भार ज्ञात करने का, p1 u1 p2 u2 p3 v3 100, तो यहाँ से है वो औसत परमाणु भार है वो अपनों को ज्ञात हो जाता है। अब देखिए ये अपने अपने करते हैं इसको कैसे देखते हैं। अब देखिए इसमें अपने p1 p2 p3 का मान दे दिया, u1 u2 u3 का मान दे दिया, तो यहाँ से अपने ने p1 u1 p2 u2 p3 u3/100 था, m का मान निकालना था, तो यहाँ से इसको गुणा किया तो ये u, इसमें दोस्तों u दिया हुआ है, देखो इसमें ये देखो आगे u लगा हुआ है, ये u लगा हुआ है, देखो इसमें u लगा, तो u ये कॉमन बाहर आ जाएगा और ये अंदर बच जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये u यहाँ पर आ ही गया, बाहर u है दोस्तों ये, ठीक है, तो ये u आ गया, ये इसका नियोन का जो है औसत परमाणु भार आ गया। अब अगर अपने बात करें नेक्स्ट इसमें और, तो जैसे नाइट्रोजन की नाभिक की बंधन ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो अपने जो इसका एम जो नाइट्रोजन है उसका जो औसत परमाणु भार है वो अपनों को दिया हुआ है, ठीक है, निकाला हुआ है पहले से, तो इसमें अपने देखते हैं नाइट्रोजन नीचे वाला क्या होता है परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या ए ऊपर वाली होती है 14, तो ए और 14 का मान दिया हो तो अपनों ने एक सूत्र उत्पन्न किया था, ठीक है, आपको पता ही हो, तो जो अपने न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालते थे तो ए माइनस जेड बराबर आ जाता था, तो यहाँ से अपने ने ये इसमें मान रख के वो निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसमें मान रखा 7 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा एम निकालेंगे तो जो जो इसका जो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वायर, ये सूत्र है दोस्तों इम्पोर्टेंट, यहाँ से अपने नाभिक के बंधन ऊर्जा निकाली
निकालने का ये सूत्र होता है। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा निकालने का सूत्र ये दोस्तों होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो है इसका दिया हुआ है परमाणु क्रमांक भर दिया इनटू ये 1.0078 है दोस्तों। ये अपनों ने पहले जो मास ऑफ प्रोटॉन्स थे उनका था निकाला था, पीछे मैंने बताया था, उसको रखेंगे प्लस प्लस। अब ए माइनस जेड का मान यहाँ से देखिए 7 आ गया, तो 7 भर दिया इनटू ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस एम एन का मान दोस्तों अपनों को दिया हुआ है, तो इसमें पुट किया इनटू सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर का मान अपनों ने पीछे निकाला था 9.31 इनटू वो निकाल मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये होता है जो आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार। तो इसको अगर अपने आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका डेल्टा एम का मान ये आ जाएगा, और क्योंकि डेल्टा एम है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर होता है, तो डेल्टा एम का मान ये है इंटू सी स्क्वेयर 9.31, ठीक है। आगे देखें तो आगे देखें तो दोस्तों एक स्वर्ण के समस्थानिक दिए हुए हैं 7.9, तो सोना है उसका समस्थानिक दे दिए, और रजत यानी कि चांदी के जो समस्थानिक ये दे दिए, इनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, वैसा ही क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दो तत्व हैं, इनके जो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है R1/R2, तो दोस्तों A1 A2 का मान दिया हुआ है अपन 197 और 107, इसको हल करेंगे 1/3 करेंगे, तो इसका 1.23 R1 R2 का अनुपात है वो 123:100 आ जाएगा। तो ये अपन ने दोस्तों है वो नाभिक टॉपिक आज दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। इसमें आगे इतना ही नाभिक के अंदर जो था अपने मेरिकल्स वगैरह सब थे अपने कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो दोस्तों अपने BSc BEd का जो सिलेबस है मेन, उसमें अपने बात करने वाले हैं। मैं अपने नाभिक के बारे में और परमाणु के बारे में और कुछ उनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स परमाणु क्रमांक नाभिक बंधन ऊर्जा और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर कैसे निकालते हैं, अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो परमाणु जो द्रव्यमान का अनुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों अपनों ने पढ़ लिया इसमें। तो ये दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स के ऐसे ही जो वीडियोस हैं वो अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसमें फिजिक्स के जितने भी BSc बीड का सिलेबस है वो टॉपिक वाइज दोस्तों मैं डेली इसी तरह करवाऊँगा, और उस पर बहुत से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत से अच्छे अच्छे सेट बना के दोस्तों मैं करवाने वाला हूँ, और साथ में इनके जो PDF नोट्स हैं वो दोस्तों आपको प्रोवाइड वो करवाई दी जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक आगे बात करेंगे। कल नया टॉपिक है फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं पहली यूनिट का, तो आप तैयार रहिएगा। उसका पूरा पैटर्न है वो दोस्तों एक बार मैं बता दूंगा पेपर किस हिसाब से आएगा, और फिर अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें कंप्लीट टॉपिक जो है वो दोस्तों एक एक चीज़ है वो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला दोस्तों। अगर आप जो ये वीडियोस देख के ही अगर पेपर देने जाओगे नहीं तो 99% दोस्तों इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये मैंने पिछले साल नोटिस किया है दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों फर्स्ट बार, तो बहुत मतलब 99% दोस्तों यहीं से आया है। तो दोस्तों बहुत ही इस सीरीज़ को बहुत ही डिमांड के हिसाब से मैंने स्टार्ट की थी, और ये मैं अच्छे से दोस्तों स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो ये नोट्स बन रहे हैं साथ साथ में आप भी बनाते जाओ, और जो मेरे नोट्स हैं इनके मैं PDF फाइल हैं वो दोस्तों आपको प्रोवाइड है, वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। आप इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल BSc BEd 2018 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छे से इसके आनंद लें, और अच्छे फिजिक्स की तैयारी है दोस्तों अपनों ने करेंगे, केमिस्ट्री है वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, वही डालूंगा वीडियो केमिस्ट्री की, और जूलॉजी बॉटनी है वो उसके भी डालूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आपका।